पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में एक आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, सेंट जॉन एम्बुलेंस, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों, स्काउट एवं गाइड तथा रेलवे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री अग्रवाल ने दो सेवानिवृत्त रेलकर्मी डॉक्टर आर के पांडे, सेवानिवृत्त प्रवर मंडल चिकित्सा अधिकारी तथा शिव बालक प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक यात्री को सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री राजीव अग्रवाल ने उपस्थित रेल अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यात्री सुख सुविधा में बढ़ोतरी के साथ हम अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार एवं आधुनिकरण की ओर निरंतर अग्रसर हैं। वर्ष 2019-20 में माह जुलाई तक विभिन्न गाड़ियों में आरक्षित श्रेणी में 2485 अतिरिक्त कोच अस्थायी रूप से लगाए गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि खलीलाबाद, डुमरियागंज एवं सहजनवा दोरीघाट नई लाइन निर्माण को भी स्वीकृति मिल चुकी है। महाप्रबंधक ने कहा कि जुलाई 2019 तक आरंभिक यात्री यातायात से आय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.29% की वृद्धि हुई है। जुलाई 2019 तक आरंभिक माल लदान में पिछले वर्ष की तुलना में 4.41% की वृद्धि हुई है। जुलाई 2019 तक सफल आय में पिछले वर्ष की तुलना में 6.05% की वृद्धि हुई है। सघन टिकट जाँच के फलस्वरूप इस वर्ष में माह जुलाई तक 29.60 करोड़ के रेल राजस्व की वसूली हुई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष पूर्वोत्तर रेलवे पर 13 रेलखंडों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। महाप्रबंधक ने कहा कि कोहरे के मौसम में सभी गाड़ियों के लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराया जा रहा है। अनारक्षित संपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बड़ी लाइन पर स्थित सभी अनारक्षित संपारों को मानवित कर दिया गया है। इस वर्ष अब तक 53 सीमित ऊंचाई के सबवे निर्माण कार्य का पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर 1062 गुमशुदा तथा लावारिस बच्चों को बरामद कर उनके परिजनों या विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं को सुपुर्द किया गया। वर्ष 2018-19 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 45,875 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लगभग 2.52 करोड़ की वसूली की गई। महाप्रबंधक ने कहा कि अनुकंपा आधार पर वर्ष 2019-20 में जुलाई 2019 तक 73 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की गई। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती अलका अग्रवाल ने संगठन द्वारा संचालित नर्वो डिज्नी वर्ल्ड में ध्वजारोपण किया तथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन किया एवं बच्चों को उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर महिला संगठन की सदस्याएँ, अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश एवं वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे। इसके पश्चात महाप्रबंधक ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर चिकित्सालय में महिला चेंजिंग रूम का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्रीमती अलका अग्रवाल ने संगठन के सदस्यों के साथ चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को उपहार प्रदान किया। इसके पश्चात महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल, पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती अलका अग्रवाल, संगठन की सदस्याएं, अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने कौवा बाग मॉडल कॉलोनी में वृक्षारोपण किया।